उधर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के काफिले पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में सीएम रमन सिंह ने अपने काफिले में करोड़ों खर्च कर एक ही सीरीज की 19 कारें खरीदी हैं। बदल गया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के काफिले की गाड़ियों का रंग, ब्रांड और नंबर। बीजेपी कह रही है ये सुविधा की बात है, लेकिन कांग्रेस कहती है रमन सिंह एक ऐसी दवा ले रहे हैं जिससे भयानक मंदी के दौर में भी व्यापार फीका नहीं पड़ता। वो दवा है ज्योतिषी और तंत्र मंत्र की। गाड़ियों का अंक भी उन्होंने 4 पे रखा है, तो ये ज्योतिष की सलाह पर मुख्यमंत्री का काम करना आज के आधुनिक युग में, मैं सोचता हूँ कि ये अच्छा संदेश जनता के लिए नहीं है। कांग्रेस कह रही है रमन सिंह काम कम और भविष्य को जान लेने और उसे बदल देने की बूटी खरीदने में ज्यादा व्यस्त हैं। पता नहीं इसमें क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन जो सच दिख रहा है वो ये है कि मुख्यमंत्री सचिवालय ने 19 पजेरो गाड़ियां खरीदी हैं और इन सभी पजेरो गाड़ियों का नंबर है 0004। छत्तीसगढ़ में हवा ये है कि 0004 का मतलब है चौथी बार सत्ता पर काबिज होना और 19 गाड़ियों का मतलब बतौर मुख्यमंत्री 19 साल पूरे करना। तो नंबर क्या मिलता है इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती, जो भी नंबर मिलेगा लक्की नंबर रहता है, उसमें किसी से पूछने और तांत्रिक मांत्रिक को देखने की जरूरत, मैं जीवन में ऐसी बातों पे कभी भरोसा भी नहीं करता। बाबा के सामने अपनी हथेलियां सब फैलाते हैं, लेकिन ये सवाल छत्तीसगढ़ में आध्यात्मिक कम राजनीतिक ज्यादा हो गया है, क्योंकि ये वो हथेलियां हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का भविष्य सिमटा हुआ है।